Hello children, good morning. Hope you all are learning well. In this chapter that is called How the Camel Got His Hump, this is what the chapter How the Camel Got His Hump, and we have read the many parts of it, about three parts, in which you came to know about the story of how the camel got his hump. In our previous video, I talked to you that Jin went to the camel and asked why he was not doing any kind of work because of his idleness. And he was thinking what to do with this camel. So what happened the next? Let's find out. Hum, said the camel. Camel again said hum, as it was his habit. Whenever somebody asked something, he always said hum. I shouldn't say that again if I were you, said the jinn. Jinn ऐसा बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो शायद दोबारा ये हम वर्ड नहीं बोलता. You might say it once too often. अब तुम इसको कई बार ऐसा बोल चुके हो. I want you to work, और मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ वर्क करो, कुछ काम करो. And the camel said, और उसके बाद फिर camel बोलता है हम अगेन. इसके बाद फिर से वो कैमल क्या बोल देता है, हम. बट नो सूनर हैड ही सैड इट, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा बोला, नो सूनर डिड, जैसे ही उसने ऐसा बोला, नो सूनर हैड ही सैड इट, जैसे ही उसने ऐसा बोला, देन ही सॉ हिज बैक, तभी उसने ऐसा देखा कि उसकी जो पीठ थी, उसकी जो बैक थी, दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ, जिस पे उसको बहुत ही प्राउड था, जिस पे बहुत ही उसको गुमान था, गर्व था. पफिंग अप, वो पफ अप होने लगी, स्वेलन होने लगी, वो फूलने लगी. एंड पफिंग अप इनटू अ बिग हम, और वो इतना स्वेलन हो गई, इतना इतना ज़्यादा वो ऊपर उठने लगी, पफ होने लगी, स्वेलिंग उसमें आने लग गई कि ये एक बिग हम जैसा बन गया. डू यू सी दैट, सेड द जिन. जिन ने बोला, क्या तुम्हें ये दिखाई दे रहा है. दैट्स योर वेरी ओन हम्प, अब ये तुम्हारा हम्प है. दैट यू हैव बॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाई नॉट वर्किंग, और ये तुम्हारे ऊपर सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि तुम काम नहीं करना चाह रहे थे, बिकॉज कि यू डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क. ये हम तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि तुम वर्क नहीं करना चाह रहे थे. टुडे इज थर्सडे, आज क्या है, थर्सडे है. एंड यू हैव डन नो वर्क और सिंस मंडे, और तुमने क्या है ना कि मंडे से कोई भी वर्क जो है वो नहीं किया है. वेन द वर्क बिगेन, जब काम शुरू होगा, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुमको वो काम करना पड़ेगा. हाउ कैन आई, सेड द कैमल, मैं कैसे कर सकता हूँ, सेड द कैमल. कैमल ने बोला, विद दिस हम्प ऑन माई बैक, मेरे ऊपर ये हम्प मेरे बैक के ऊपर रखा है, अब मैं कैसे काम कर सकता हूँ. दैट हैज अ पर्पज, सेड द जिन. जिन ने बोला कि उसका एक पर्पज है, उसका एक रीज़न है, ये जो हम्प तुम्हारे ऊपर है, इसका एक रीज़न है, उसका कोई पर्पज है, वो बिना बात के नहीं आया हुआ है. ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज थ्री डेज, क्योंकि तुमने थ्री डेज का वर्क मिस किया है. यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर थ्री डेज विदाउट ईटिंग. इस हम्प से तुम्हें ये फ़ायदा होगा कि अब तुम थ्री डेज वर्क कर सकते हो, वो भी विदाउट ईटिंग, बिना कुछ खाए पिए तुम वर्क कर सकते हो थ्री डेज के लिए. आई नेवर डिड एनी थिंग फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं किया. कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द थ्री एंड बी हैव. कम आउट ऑफ द डेजर्ट, अब तुम डेजर्ट से बाहर निकलो और उन थ्री लोगों के पास जाओ. हु थ्री, दैट डॉग, दैट ऑक्स एंड दैट हॉर्स. एंड बिहेव, और जैसे कि वो करते हैं उसी तरह से आप भी बिहेव करो. एंड द कैमल बेंट अवे टू ज्वाइन द थ्री, और कैमल जो है वो उन थ्री दोस्त थ्री एनिमल्स को ज्वाइन करने के लिए फिर चला जाता है. एंड फॉर दैट डे दैट टू दिस फ्रॉम दैट डे टू दिस, और उस दिन से लेके आज तक द कैमल ऑलवेज बियर्स अ हम्प. कैमल के पास हमेशा से एक हम्प होता है. वी कॉल इट हम्प, हम उसको एक हम्प बोलते हैं. नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, उसकी फीलिंग्स को हर्ट ना हो, बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द थ्री डेज
that he missed at the beginning of the world and he has never yet learned how to behave. तो अभी भी उसने आज तक वो जो 3 days मिस हुए थे उनका वर्क अभी भी वो उसका पेंडिंग में पड़ा हुआ है और एंड ही नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव और अभी भी उसको अच्छे से बिहेव करना नहीं आता है. दिस इज़ व्हाट अ फेमस स्टोरी बाय द फेमस राइटर रुडयार्ड किपलिंग. रुडयार्ड किपलिंग वॉज अ वेरी फेमस स्टोरी टेलर एंड ही इज़ वेरी ग्रेट राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज. सो नाउ देर आर सम कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस you need to do with this and watch the video again if you need and you can now find out the answers of these questions. Thank you.